समुद्र के नीचे से गुजर रहा है भारत का पहला बुलेट ट्रेन। 21 किलोमीटर लंबा समुद्री सुरंग और तैयार हो रहे हैं जिसमें 39 रूम होंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास मिश्रा और आप देख रहे हैं अपना चैनल यूथ विन इंडिया। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 21 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग का जो रास्ता है वह होगा लगभग 7 किलोमीटर, हिस्सा समुद्र के अंदर होगा। समुद्र के अंदर बनाई जाने वाली यह पहली सुरंग बताई जा रही है। दोस्तों यह बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से बंबई के बीच में यह चलेगी। भारतीय रेल मंत्रालय के मुताबिक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का समुद्र के अंदर बनाए जाने वाली सुरंग का यह हिस्सा महाराष्ट्र के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लेकर सिलफटा स्टेशनों के बीच होगा। बुलेट ट्रेन के लिए तैयार होने वाली इस रेलवे लाइन के लिए एक ट्यूब सुरंग भी होगी जिसमें अप और डाउन दोनों भी समायोजित होंगे। दोस्तों आपको बताते चले कि समुद्र के नीचे होगा लगभग 39 रूम, बोले तो 39 के लगभग रूम भी होंगे। पैकेज इस हिस्से में सुरंग वाले स्थान के आसपास 37 स्थानों पर 39 उपकरणों कमरों का भी निर्माण किया जाएगा। सुरंग के निर्माण को 13.1 मीटर व्यास और के कटर के हेड वाले TBS का इस्तेमाल किया जाएगा। आमतौर पर मेट्रो प्रणाली में उपयोग की जाने वाली शहरी सुरंगों के बीच 5-6 मीटर का व्यास का कटर हेड उपयोग में लाया जाता है। सुरंग के लगभग 16 किलोमीटर हिस्से को बनाने के लिए 3 टनल बोरिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाएगा। बाकी 5 किलोमीटर सुरंग के लिए यह न्यून STIN टर्मिनल्स प्रणाली का भी उपयोग किया जाएगा। दोस्तों वैसे यह भारत की पहला यह समुद्री सुरंग के अंदर जहाँ से रेल गुजरेगी यह होगा और यह देखने को बड़ा ही दिलचस्प होगा जब यह बनकर तैयार हो जाएगा। जिस समय यह पूरा प्रोजेक्ट, उस समय जब पहली यात्रा आप करेंगे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो दोस्तों यह कैसी लगी जानकारी आपको? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, ज़्यादा तो वीडियो को शेयर करिएगा और अपने कमेंट्स लिखना मेरे को ना भूलिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।